मैत्री, बोलो अरविंदु। ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी। ये तो बात बिल्कुल सच है अरविंदु। चल भाग चलते हैं। हाँ ये अच्छा आइडिया है। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज फिर से है शनिवार और मैं अपनी बनावटी आवाज में अपने 19वें एपिसोड को लेते हुए आपके सामने फिर से आ गया हूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो आई एम अरविंदु एंड दिस इज आवर 19th एपिसोड ऑफ स्पेसेस ऑफ ल्यूसिडिटी। और मैं और मैत्री कहीं भाग के नहीं गए हैं, हम यहीं बैठे हैं हमारे स्टूडियो में, बिकॉज हम बागी नहीं बाजीगर हैं। आज का हमारा टॉपिक भाग के शादी करना या अट्रैक्शन मैरिज है। अट्रैक्शन मैरिज क्या है? अट्रैक्शन मैरिज कहाँ से आया है ये अट्रैक्शन मैरिज, और किसे बोलते हैं अट्रैक्शन मैरिज? जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिया में आई डोंट थिंक सो, अकॉर्डिंग टू मी, लव मैरिज का कंसेप्ट अभी भी उतना ज़्यादा बिल्ड हुआ है या इंडिया में अभी भी लव मैरिज होते हैं? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, वॉट आई फील, लव मैरिज इज समथिंग, जब मैं किसी लड़की को एक अच्छे टाइम के लिए डेट करूँ, उसको जानूं, उसके हैबिट्स को जानूं, वो क्या करती है, उसे फ्यूचर में क्या उम्मीदें हैं, उसके फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको जानूं, ना कि किसी लड़की को बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी फ्यूचर प्लानिंग के कि भाई मेरा फ्यूचर क्या हो गया, हमारे बच्चे कैसे होंगे, उसको उसके घर से भगा के ले जाऊं। व्हाट डू यू थिंक मैट्री? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट आई वाज वंडरिंग कि आज हम किसको ब्लेम करें फॉर दिस होल इलोपिंग एंड गेटिंग मैरिड। शुड वी ब्लेम अजय देवगन? शुड वी ब्लेम सलमान खान? शुड वी ब्लेम आमिर खान, शाहरुख खान? सब ने लड़कियाँ भगाई है। सो आई थिंक प्राइमरीली दिस होल शोइंग ऑफ इलोपिंग एंड गेटिंग मैरिड एंड ओ माई गॉड लाइफ हैज़ बीन ब्यूटिफुल, हमको ट्रक में लिफ्ट मिल गई, इस पे गद्दी पे सो गए, फिर वो कुमार गौरव ने तो अपनी जिसको भगाया था उसके लिए लकड़ी का घरवर भी बनाया था, डोंट आस्क पैसा ऐसा किधर से आया। सो आई वंडर हु ऑल आर टू ब्लेम। लेकिन हाँ, लेकिन मैं एक तरह से समझ सकती हूँ कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भाग जाना इज वाई सच अ बिग थिंग। एक तो पहले मूवीज ने अल्टीमेट रोमांटिसाइज कर दिया कि भाई भाग के जाओ दुनिया लाइफ सेट हो जाएगा। एंड बट आउट ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ मैरिज, वन ऑफ द नोन टाइप्स ऑफ मैरिज एट वन पॉइंट वॉज राक्षस मैरिज। सो राक्षस मैरिज में क्या होता है कि लड़का लड़की पसंद हो नहीं हो, हमको चाहिए तो हमको चाहिए, तो ऐसा ग्रूम भी अबडक्ट कर सकता है, ब्राइड भी अबडक्ट कर सकता है। तो वहां से आता है द होल फंडा ऑफ इलोपिंग, यू नो, टेकिंग अवे योर रिस्पेक्टिव ब्राइड एंड ग्रूम। बट या आई थिंक यू शुड टेल देम। राक्षस मैरिज, या टॉकिंग अबाउट राक्षस मैरिज, भाग के शादी करना। मैं 11th में पढ़ता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड 10th में पढ़ती है, मुझे उससे प्यार हो गया। क्या करना है भाई, अगर हमने शादी नहीं की तो भाई मेरा बाप मेरी शादी कहीं और कर देगा, तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी कहीं और कर देगा, चलो भाग चलते हैं। बट फिर क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करेंगे, मेरे बाप का बिजनेस है, तेरे बाप का बिजनेस है, एक काम करते हैं, 1 साल के बाद एक अच्छा सा बच्चा ला के उनके गोद में रख देंगे, भाई कोई क्या कर लेगा। दिस कंसेप्ट बेसिकली। Yeah, absolutely. सो So, I think which is why everybody is being pushed to attraction marriage in India instead of love marriage, because India में तुमको चांस ही नहीं दिया जाता कि तुम अच्छे से प्यार करो, थोड़ा अपना फ्यूचर का प्लानिंग करो, none of that happens, and which is why most people are eloping and getting into attraction marriage and not love यू marriage. नो मैनी पीपल, आई मीन आज भी छोटे शहरों का कल्चर ऐसा है कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो लोग, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है भाई कि ये गलत टाइप का बंदा है या ये गलत टाइप की बंदी है। क्यों? क्योंकि भाई उसका अट्रैक्शन एक बंदे से है या एक प्यार है उसे उस बंदे से। बट देन हमेशा इस चीज़ को इंडिया में भाग के ले जाने के तौर पे देखा जाता है कि भाई तुम तुम्हारे बेटे को संभाल लो नहीं तो वो भाग के चला जाएगा, भाई तुम तुम्हारी बेटी को संभाल लो नहीं तो वो भाग के चला जाएगी, रात को 8 बजे के बाद आती है वो भाग के चली जाएगी, वो जीन्स पहन के घूम रही है वो भाग के चली जाएगी, लाइक दैट। यस, दैट्स द अरे कंसेप्ट। लड़के ने छुट्टियां रखी है, भाग के चला जाएगा। लड़के ने छुट्टियां रखी है, लड़का भाग के चला जाएगा, भाई लड़के के लक्षण नहीं ठीक लग रहे। सो ऑल टुगेदर दिस थिंग, आई मीन दीज थिंग्स, इन्होंने मिलके ही कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन या एक सीन ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि भाई अगर लड़का लड़की साथ में रहेंगे तो डेफिनेटली भागेंगे, और भागेंगे तो देखो भाई लास्ट में आपको ही घुटने टेकने पड़ेंगे क्योंकि एक प्यारा सा बच्चा आपकी ही गोद में बैठने वाला है, फिर नाना नानी संभालो अब आपके बच्चे को, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बट लव मैरिज एंड अट्रैक्शन मैरिज, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। लव मैरिज, जहां मैं कैपेबल हूं किसी को समझने के लिए,
जहाँ मैं रेडी हूँ मेरी शादी के लिए, जहाँ मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो मैं उनको वैलिड रीजन दे के समझा सकता हूँ। बट अगर मैं किसी को भगा के लेके जा रहा हूँ, आई डोंट हैव अ सिंगल रीजन। ओके आई नो कि कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि भाई कुछ डिफरेंट कास्ट है तो एक जगह पे रहना उनके जान के ऊपर आ जाते हैं कि भाई अलग अलग छोटी छोटी पंचायतें का पंचायतें, भाई उनके नाम के ऊपर फतवे जारी हो जाते हैं कि भाई ये दिखे तो इनको जान से मार दो, इनको जीने नहीं देना है। वहां पे भी मैं मान सकता हूँ, बट वो भाग के शादी नहीं, वो अपनी जान भगा के जान बचा के भाग रहे हैं, सॉरी अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, अपने फैमिली की इज्जत लेके नहीं भाग रहे। ओके सो बेसिकली होल फंडा ऑफ मम्मी पापा अलग, चाचा चाची अलग, नाना नानी अलग, सब सिर पे आके बैठ गए तो चलो भैया बेस्ट थिंग इज भाग जाओ। हाँ मैत्री, बट अगेन दैट डिपेंड्स। अगर मैं मेरे करियर के एक अच्छे पोजिशन पर हूँ जहाँ मैं अपनी वाइफ को एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ, अगर मेरा बच्चा हुआ तो मैं उसको एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ, एंड मैं चाह के भी उस बंदी से इसलिए शादी नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने उससे शादी की तो मुझे मार दिया जाएगा। बट सिचुएशन, आप उस सिचुएशन को क्या बोलोगे जहाँ पे बच्चा भी स्कूल में है, बच्ची भी स्कूल में है, या बच्चा कॉलेज के बस फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है और अचानक से एक बॉलीवुड मूवी देखी जहाँ पे उसको लगा हाँ भाई बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम टाइम्स। तो तुमको क्या लगता है इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका, किसका सबसे ज्यादा ब्लेम बनता है, अजय देवगन या सलमान खान? नो इट्स नॉट अजय देवगन, नॉट इवन सलमान खान, इट्स जस्ट रॉन्ग परसेप्शन अबाउट लव मैरिज। यस रॉन्ग परसेप्शन, दैट्स इट। क्योंकि हमें आज तक समझाया नहीं गया, हमें टाइम नहीं दिया गया लव मैरिज क्या है उसे समझने के लिए, और कहीं ना कहीं भाग के शादी करना आई थिंक वो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन रहा है। तो भाई और बहनों, हम अरविंदो और मैं चाहते हैं कि आप हमसे एग्जांपल लें। देखो हम भाग के कहीं नहीं गए, आप बागी नहीं बाजीगर बनो, अच्छे से प्यार करो और लव मैरिज करना अट्रैक्शन मैरिज नहीं, अट्रैक्शन मैरिज नहीं। एंड आई एम नॉट डेटिंग मैत्री।